नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि जो है फाइनली 10 मई को जो नवनियुक्त शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं उनको आखिरी अवसर दिया जा रहा है। और अगर कोई नवनियुक्त शिक्षक 10 मई तक ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो कहना चाहिए नियुक्ति है, आदेश को निरस्त माना जाएगा, क्योंकि DPI आयुक्त जो है लोक शिक्षण आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव, उन्होंने जो है सख्त आदेश दिया है। दो तीन बार जो उन्होंने मेंशन कर दी चीज़ को, ठीक है, पहले 27 अप्रैल रखा गया, फिर मई में कुछ डेट रखी गई, अब फाइनली जो है, ठीक है, 10 मई तक का एकदम क्लियर कट कर दिया गया है, देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, वेटिंग लिस्ट वालों को तो खास तौर से बता दूं कि वेटिंग के बहुत सारे पद हैं। अभी कुछ दिनों पहले सुनने को आ रहा था, सुनने क्या हमने देखा था कि लगभग 700 पोस्ट बताई गई थी, बट दोस्तों अब 700 पोस्ट नहीं है, करीब करीब लगभग 2000 नवनियुक्त शिक्षक हैं। अब बात ये है, नवनियुक्त शिक्षक 2000 हैं तो इसमें केवल प्राइमरी के नहीं है, इसमें मिडिल भी है और इसमें हायर सेकेंडरी भी, मतलब कि वर्ग एक भी, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन मिला करके। हालांकि अभी ट्राइबल का डेटा नहीं आया है, ये तो केवल DPI का डेटा है, तो अच्छे खासे वर्ग तीन में जो आप लोगों की जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। मुझे ऐसा मेरा मानना लगता है कि 100% वेटिंग क्लियर हो सकती है। 100 का मतलब ये है कि जैसे कि किसी कैटेगरी में 112 वेटिंग है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये मान के चलो कि 105-110 वेटिंग तो क्लियर हो जाएगी, दो चार लोग ही बच पाएंगे, बाकी वेटिंग लगभग क्लियर होने के चांसेस लग रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हालांकि 15 तारीख के बाद वेटिंग पे काम किया जाएगा, लिस्ट जारी की जाएगी। इन्होंने जो लास्ट टाइम भी 15 दिवस का समय दिया था कार्यभार ग्रहण करने के लिए, इसके बाद पदांकित जिले पर इन्होंने 27 अप्रैल को भी जो है आखिरी अवसर दिया था कि आप 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर भी ऐसे कैंडिडेट जो नहीं कर पाए हैं ज्वाइन, ठीक है, उनको अंतिम रूप से सूचित किया गया है कि 2000 नवनियुक्त शिक्षक जो कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं वो 10 मई तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में विलंब के कारण अभ्यावेदन सहित जो है जो भी आपका रीजन है उसके साथ उपस्थित हों। और आयुक्त श्रीवास्तव मैम ने जो कहा है उन्होंने कि 10 मई तक उपस्थित नहीं होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त किए जाएंगे, इसके बाद जो अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और जो प्रतीक्षा सूची पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये अच्छी खबर है वेटिंग में जिनका नाम, उन साथियों के लिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर वेटिंग के पद इन लोग खा गए, वेटिंग की लिस्ट जो है गायब कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, क्योंकि मैं खुद DPI जाकर के जानकारी लिया है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेकेंड काउंसलिंग जल्द शुरू होगी, उसके लिए काम किया जा रहा है। गेस्ट फैकल्टी का पोर्टल चालू था वो भी बंद हो चुका है, अब ट्राइबल का रोस्टर जल्द से जल्द जो है DPI पहुंचाया जाएगा, जिससे वो चीज़ों पोस्ट को मेंशन करेंगे और फाइनली इस माह में 25 मई के बाद जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसके आगे जो अगली जानकारी वो अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।